हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट सिरप, यानी कि चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी की होती है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोइंग होती है, इसलिए आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम के साथ, पैनकेक्स के साथ, या फिर ब्राउनी के ऊपर डालकर। और अगर आप इसे थोड़ा रेफ्रिजरेट कर दें तो आप इसे ब्रेड पे चॉकलेट स्प्रेड के जैसे लगा के बच्चों के लिए चॉकलेट सैंडविच भी बना सकते हैं। चॉकलेट सॉस घर में बनाना बहुत बहुत आसान है। मेन है इसमें कोको पाउडर, बाकी सब तो आपको आपके घर में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप कोको पाउडर, 1 कप पिसी हुई शुगर, थोड़ा सा बटर और 1 कप मिल्क। कोको पाउडर मैंने हर्शीज़ का लिया है, आप कोई भी कोको पाउडर ले सकते हैं। और आजकल तो कोको पाउडर किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे बहुत आराम से मिल जाता है। बटर मैंने यहाँ पे सॉल्टेड लिया है, लेकिन आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट सॉस। यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन, इसमें डालेंगे कोको पाउडर, शुगर और इसे अच्छे से विस्क करेंगे। अब इसमें मिल्क ग्रेजुअली ऐड करना है। पहले थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा मिल्क और डाल देंगे। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें सारा मिल्क डाल देंगे। अब हमने इसे गैस पे लो फ्लेम पे पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर थिक नहीं हो जाता। इसको अच्छे से घुमाते जाना है। अब ये थिक हो गया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसमें लास्ट में डाल देंगे बटर और इसे फिर से घुमा लेंगे। बटर से इसमें बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। मैं आपको एक बार इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एकदम थिक हो गया है। मैं स्पून से भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। परफेक्ट, हमारी चॉकलेट सॉस एकदम रेडी है। अब हम इसे बोल में कर लेंगे पोर। एकदम बढ़िया बनी है ना हमारी चॉकलेट सॉस। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी चॉकलेट सॉस कैसी बनी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए।